कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच 4 अक्टूबर को जिले में 39 केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा आयोजित होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने एनएक्सी भवन के सभागार में सभी केंद्र व्यवस्थापकों और नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए परीक्षा को संपन्न कराया जाए। परीक्षा संचालन के लिए जिले में 39 केंद्र बनाए गए हैं। रविवार को होने वाली इस परीक्षा की सघन निगरानी के लिए सभी केंद्रों पर 2-2 निरीक्षक लगाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। प्रभारी DM ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों को चेक कर लिया जाए कि वह कार्यशील है अथवा नहीं है। इसके साथ ही 3 अक्टूबर को सायंकाल संपूर्ण परिसर, परीक्षा कक्ष एवं फर्नीचर को भली प्रकार से सैनिटाइज कर केंद्र को लॉक कर दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, सभी केंद्र स्थापक, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान और सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहबान और उनके एसोसिएट्स के साथ रहते हैं, वो अपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो UPSC के हैं वो भी आपको देंगे। ये देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसको नकल भी शुचितापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, कुशलतापूर्वक सम्मान कराया जाना है। आपकी नॉलेज में डाल दे रहा हूँ। सभी केंद्रों पर रोल नंबर की डिस्प्ले लिस्ट लगाई जाएगी, किस रूम में कौन से रोल नंबर के कैंडिडेट एंटर करेंगे। दोनों सेशन में रोल नंबर की सीटिंग प्लान और स्कैनेबल अटेंडेंस सीट के अनुसार ही डिस्प्ले किए गए और पूरे केंद्र का संपूर्ण सीटिंग प्लान एक सेंट्रल प्लान भी आपको बनाना है जो डिस्प्ले रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगी। उसको भी आपको क्लॉक रूम में जमा करा देना है और निःशुल्क टोकन दे के आपको जमा कराना है और एग्जामिनेशन के समाप्त के बाद में सुरक्षित वापस करा देना है। सभी एग्जामिनेशन मटेरियल एग्जाम के बाद मार्कशीट वगैरह जो भी आपके डायरेक्शन है मुकेट में, वो सब सील्ड कंडीशन में इंटैक्ट सुरक्षित स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के कस्टडी में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से UPSC लाना है। उसकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिला प्रशासन गोरखपुर की जिम्मेवारी है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी समस्या होती है तो जैसे इलेक्शन में नहीं बख्शा जाता, यहाँ भी बख्शा नहीं जाता। ये क्लियर कट मैसेज सबके पास होना चाहिए। कोई भी मिस्टेक जिसके कारण कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठ जाए, उसमें आप पे एक्शन हो, उस बोर्ड को उससे बचना है। कुछ भी ऐसा नहीं होने देना, वो तभी नहीं हो पाएगा जब आप कब ऐसा हो पाएगा कि सही तरीके से एग्जाम हो जाए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि हमने बहुत एग्जाम करा है। इलेक्शन में भी ऐसे होता है कि सब बोलते हैं मैंने तो बहुत इलेक्शन करा दिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन बहुत सीरियसली पढ़ने दो। तीन कारण है, एक ये जो एग्जाम हो रहा है कोरोना काल में के कारण डिले हुआ, ये जून में होना था अक्टूबर में। दूसरा, अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रनिंग पोजिशन में नहीं है, तो इसके कारण क्या चीजें पॉपअप हो सकती है वो कई बार हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते।
स्टूडेंट्स कैसे बिहेव करें, वहां क्या क्या सिचुएशन बन सकती है, कोरोना पॉजिटिव का आ जाए तो अभी हमारे ग्रेजुएशन में नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोगों को इसको सीरियसली लेना है। सीरियसली तब मैं कहूँगे जब आप पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ोगे। मैं अभी एडीएम साहब ने सुबह मेरे साथ ही बैठे थे, एक घंटे पूरी बुकलेट का एक एक पॉइंट भी समराइज किया है, उसको ध्यान से सुनिए। जिसको इंग्लिश में अभी ये बुकलेट पूरी इंग्लिश में है, इंग्लिश में समझने में कोई डिफिकल्टी आ रही है नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज हिंदी है, तो आप उसको अभी डिस्कस कर लीजिए। जब कल का दिन है हमारे पास, एडीएम साहब का फोन नंबर ले लीजिए, मेरा ले लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुझे जानते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं सीईओ के। मैं चाहूंगा कि ये एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से और फ्लॉलेस, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ट्रेनिंग करिए, रिलैक्स मोड में करिए। अभी ये हमारे पास टाइम है, ये बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हैं और बढ़िया तरीके से एग्जाम को कराना है, डाले जिस पर फोकस करना है। और सबको बताएंगे अपना बेसिक चीज है कि अपना सेंटर जो है आप कल विजिट कर लीजिए, ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें मैंने पढ़ी इंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, सेंटर पे पहुंच रहे हैं या पहले उसको भी चेक कर लीजिए, पहुंच मार। क्योंकि आज मेरे पास अभी एक व्हाट्सएप भी आया कि वहां पर सड़क खराब था, वहां पर पानी लगा था, लेकिन पानी भरा था। तो पहला स्टेप है कि कैंडिडेट स्मूथली पहुंच जाए या नहीं पहुंच जाए, तो उसका पूरा रूल ले लीजिए। मैंने कहा बहुत देर से वो बिल्डिंग पूछ में ही है, तो इससे ये ज्यादा जरूरी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक चीज है, पानी बेसिक चीज है, वो सारी फंक्शनलिटी चेक कर लेंगे। क्योंकि जब एग्जाम देने आएगा वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्ट्रेस में होगा, तो उस स्ट्रेस को फ्री करना भी आपके लिए हाथ में है। तो आप अगर अच्छे से अपने एग्जामिनेशन सेंटर को तैयार कर लेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो जो एग्जाम देने आया है वो अच्छे से एग्जाम दे पाएगा। एक अपॉर्चुनिटी आप उसको दे पाओगे जो फ्री है, क्योंकि मैं भी इसी एग्जाम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस एग्जाम इस इंस्टीट्यूशन की मेरे एरिया के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है। हमारे भारत के कुछ इंस्टीट्यूशन को जो संविधान ने बनाए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, इंडियन आर्मी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिनकी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड सर्विसेज होती है, तो वैसी सर्विसेज ये इंस्टीट्यूशन आपसे एक्सपेक्ट करता है, उस तरह से आपने एग्जाम को कंडक्ट करना है। उसके लिए आज आप रखकर हमारे पास है प्रिपरेशन का, जो जो भी कमियां हैं, जो जो भी डाउट है, इन दो दिनों में क्लियर कर लेंगे। मैं कटपुरा के विकास भवन में हूँ, मेरा फोन नंबर सरकारी कुछ भी व्हाट्सएप पर डालो तो मैं उसको देख पाऊंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। आप फोन डायरेक्ट करके कर सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर दीजिए। सीनियर साहब का कर सकते हैं, हमारे साथ एसडीएम है, वो भी उनका भी आप चौरी चौरा एसडीएम है, वो भी उनका भी ले लीजिए। कोई भी डाउट आती है आप उनसे वेरीफाई करिए। कल तक बुकलेट को ध्यान से सब वक्त पढ़ेंगे, ये भी क्लियर है, आज भी पढ़ा जाएगा और आपको ध्यान से पढ़ना है। अब अपने वही चीजें बहुत ही डाल दीजिए और बच्चों को ईज में करिए और अच्छा एग्जाम करें। सर ये बैठक के संदर्भ में, ये जो आज बैठक हुई है परसों 4 अक्टूबर को यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम है आईएएस का, और गोरखपुर में ये कंडक्ट किया जाएगा, तो उसकी ट्रेनिंग हम लोग जितने भी हमारे इन्विजिलेटर हैं, एग्ज़ाम के सेंटर के प्रभारी हैं, यूपीएससी के रिप्रेजेंटेटिव आ रखे हैं, उनकी प्रेजेंस में सारी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं। सर ये कितने केंद्रों का आयोजित? हाँ 39 केंद्र है टोटल, और सारे केंद्रों पर जो जो यूपीएससी ने इंस्ट्रक्शन दी है उसकी व्यवस्था कर ली गई है, और बहुत ही कोरोना की जो के साथ जो हमें प्रिकॉशन लेनी है वो भी ले ली गई है, और एक अच्छा एग्ज़ाम हम कंडक्ट करा पाए। जो परीक्षार्थी हैं वो किन किन नियमों का पालन करना है? परीक्षार्थी को जो है उनकी इंस्ट्रक्शन उनके एडमिट कार्ड में भी दी गई है, और उसके अलावा जो उनको कोरोना के बचाव के लिए जो मास्क कंपलसरी है, सैनिटाइजर वो ला सकते हैं ट्रांसपेरेंट बोतल में, उसका भी बता दिया गया है। बाकी जो एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है वो वहाँ पर भी डिस्प्ले होगी और उनके एडमिट कार्ड में मैंशन है।